आज आलिया का बर्थडे है, 12 बज गए हैं, आलिया सुपर एक्साइटेड है। तभी डोरबेल बजती है। जरूर मेहुल सर मुझे सरप्राइज देने आए हैं। बचाओ बचाओ। लेकिन वहां कोई नहीं था आलिया की मदद के लिए। अगली सुबह जब आलिया की आंख खुलती है तो आलिया एक कमरे में बंद थी। ये मैं कहाँ आ गई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, आज मेरा बर्थडे है। आलिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ मुझे इस रूम से बाहर निकालो। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। आलिया को बहुत गुस्सा आने लगता है। आलिया दरवाजा में लात घूंसे मारने लगती है लेकिन उसके पैर में लग जाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। मम्मी एक बार मेहुल सर ने बोला था कि ऐसे कंडीशन में ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। आलिया खुद को कूल करने के लिए फोकस करने लगती है और फिर आलिया को समझ आ जाता है कि वो जिस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी वो एक्चुअल में दरवाजा है ही नहीं। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं आलिया ने ऐसा क्या देखा कि उसे लगा वो दरवाजा नहीं है। सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, दरवाजे के लेफ्ट राइट और ऊपर साइड में लाइन तो दिख रही है लेकिन नीचे साइड में कोई लाइन ही नहीं है, वो पार्ट कनेक्टेड है। इसका मतलब ये दरवाजा नहीं है। आलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसने किडनैप कर लिया और क्यों और वो कहां पर है। मुझे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मेरे सारे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेहुल सर भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी अचानक आलिया को छोटी सी सनलाइट दिखाई देती है। आलिया को बाहर जाने की एक होप मिल जाती है। आलिया लाइट को फॉलो करते हुए उसके सोर्स तक पहुंच जाती है। वहां बहुत सारे कार्टन के बॉक्सेस रखे हुए थे और उनके बीच में से लाइट आ रही थी। आलिया बॉक्सेस को एक लात मारती है। इसकी तो बॉक्सेस नीचे गिरते ही सामने ग्लास की विंडो थी। आलिया विंडो से नीचे झांककर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आलिया एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे थी और सामने आगे पीछे हर तरफ जंगल ही जंगल था। आलिया को बहुत टेंशन होने लगती है। बस एक बार यहाँ से बाहर निकल जाऊ, फिर जिसने मुझे किडनैप किया है उसकी तो। उधर डिटेक्टिव मेहुल के पास अमन का कॉल आता है और अमन मेहुल को बताता है कि कल रात उसकी दुकान में चोरी हो गई है। अमन का कॉल आते ही मेहुल तुरंत अपनी कार लेके अमन की दुकान की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल अमन के बताए एड्रेस पर पहुंच जाता है लेकिन वहां पर एक नहीं तीन दुकानें थी। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि तीनों में से कौन सी दुकान अमन की हो सकती है, लेकिन लॉजिकल आर्मी क्या आप समझ पाए, सोचिए सोचिए। दूसरी और तीसरी दुकान पर लोग शॉपिंग कर रहे हैं लेकिन पहली दुकान का सारा सामान बिखरा हुआ है, इसका मतलब चोरी इसी दुकान में हुई होगी। मेहुल तुरंत दुकान के अंदर पहुंच जाता है। दुकान के अंदर अमन मुंह लटकाकर बैठा हुआ था। मैं बर्बाद हो गया, पूरे 5 लाख रुपए की चोरी हो गई है। चिंता मत करो अमन, मैं चोरों को जरूर पकड़ लूंगा। मेहुल पूरी दुकान की अच्छे से तराशी लेने लगता है। दुकान का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। लगता है चोर अमन का कोई दुश्मन ही होगा। लॉजिकल आर्मी क्यों, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि चोर अमन का दुश्मन होगा, सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, दुकान के अंदर नमक के पैकेट को तोड़ा गया है, यहाँ तक कि ऑयल की बोतल की कैप भी खोल खोल कर सारा ऑयल नीचे फेंक दिया गया है। अब भला कोई चोर बोतल की कैप खोल के अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा, दुकान में गंदगी क्यों करेगा, मतलब वो इंटेंशनली अमन का नुकसान करना चाहता था। अमन क्या तुम्हारा किसी के साथ कोई लड़ाई या झगड़ा है? तब अमन बताता है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर उसका 4 लोगों के साथ झगड़ा हुआ है। अरे यार तुम तो कितने झगड़ालू हो। इसके बाद अमन उन सारे लोगों का नाम बताता है जिनके साथ उनका झगड़ा हुआ था। मेहुल सारे लोगों के नेम और एड्रेस नोट करके केस की छानबीन करने के लिए निकल पड़ता है। हनी ने अमन को बहुत मारा था, उनका झगड़ा काफी सीरियस हुआ था। मेहुल हनी के घर पहुंच जाता है। डोरबेल बजाते से 3 लोग दरवाजे पे आ जाते हैं। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि तीनों में से कौन हनी है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी, मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहला वाला बच्चा तो 10-12 साल का लग रहा है, भला वो अमन को कैसे मार सकता है, और तीसरा वाला आदमी तो काफी बुजुर्ग है, इसका मतलब दूसरा वाला बंदा ही हनी होगा। हनी क्या तुमने कुछ दिन पहले अमन की पिटाई की थी? अमन का नाम सुनते ही हनी का दिमाग गर्म हो जाता है और हनी मेहुल को उल्टा सीधा बोलने लगता है। क्या तुम उसके चमचे हो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मेहुल हनी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। I am Detective Mehul। मेहुल का नाम सुनते ही हनी रोने लगता है। I am sorry, मैंने कुछ नहीं किया। फिर मेहुल हनी से आगे पूछताछ करने लगता है।
उधर आलिया बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी। अपने बर्थडे के लिए आलिया ने क्या क्या सोचा था और क्या हो गया? कसम से इतना गुस्सा आ रहा है कि अब क्या बताऊं। आलिया अपने पिछले बर्थडे को मिस करने लगती है। पिछले बर्थडे पर आलिया के सारे दोस्त उसके घर आए थे। आलिया की मम्मी ने सबके लिए पिज्जा बनाया था और आलिया ने डीजे पर खूब डांस किया था। आलिया अपना पिछला बर्थडे याद करके बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी अचानक आलिया के मोबाइल का अलार्म बजता है। अरे ये तो मेरे मोबाइल की रिंगटोन है, इसका मतलब मेरा मोबाइल। आलिया तुरंत कमरे में अपना मोबाइल ढूंढने लगती है। आलिया को एक टेबल के नीचे अपना मोबाइल मिल जाता है। अरे मेरा मोबाइल मिल गया, अब समझो मैं आजाद। आलिया तुरंत मेहुल को कॉल करती है। इतनी सुबह सुबह आलिया का कॉल। मेहुल कॉल रिसीव करता है तो आलिया जल्दी जल्दी घबराते हुए बोलती है, सर मेहुल सर मैं किडनैप हो गई हूँ, मुझे बचा लीजिए सर। अरे आलिया क्या सुबह सुबह मजाक कर रही हो, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, एक केस सॉल्व कर रहा हूँ। इतना कहते ही मेहुल कॉल रख देता है। आलिया वापस से मेहुल को कॉल करती है, सर मैं सच बोल रही हूँ सर। अरे आलिया ये मजाक बंद करो और जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, केस सॉल्व करना है। इतना कहते ही मेहुल वापस कॉल कट कर देता है और कार ड्राइव करने लगता है। आलिया बार बार मेहुल को कॉल करती है लेकिन मेहुल आलिया को इग्नोर कर देता है। मेहुल सर बहुत बुरे हैं, अब मैं उनसे बात नहीं करूंगी। तभी अचानक आलिया को किसी के होने की आहट सुनाई देती है। आलिया तुरंत टेबल के नीचे छुप जाती है। कमरे की एक दीवार मूव होती है, कोई कमरे के अंदर आता है। जैसे ही वो आलिया के टेबल के पास आता है, आलिया उसके पैर खींच लेती है। जय बजरंगबली दिखाते बाहर जाने की गली। और फिर आलिया इतने स्पीड से भागती है कि ट्रेन को भी पीछे छोड़ दे। आलिया फटाफट सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। अब बाहर जाने के लिए आलिया को तीन दरवाजे दिखाई देते हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक तालाब है लेकिन उस तालाब का पानी -10 डिग्री सेल्सियस पे है। दूसरे दरवाजे के पीछे दो बॉडीगार्ड खड़े हैं और तीसरे दरवाजे पर बहुत सारा सामान का ढेर रखा हुआ है। वहाँ से जाने के लिए आलिया को पूरा सामान एक तरफ हटाना होगा। तो लॉजिकल आर्मी सोचिए और मुझे बताइए तीनों में से कौन सा रास्ता चुनेंगे आलिया। सोचिए। अगर आलिया दूसरे रास्ते से जाएगी तो बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेंगे और जब तक आलिया तीसरे रास्ते का सामान हटाएगी तब तक ऊपर वाला आदमी वहां आ जाएगा। लेकिन पहले वाले रास्ते के तालाब का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, मतलब वो पानी तो अभी बर्फ जम चुका होगा। आलिया पहले दरवाजे से बाहर आ जाती है। आलिया के चारों तरफ जंगली जंगल था। आलिया भागते हुए जंगल के एक कोने में पहुंच जाती है तो क्या आगे पानी ही पानी था। वो भागते हुए जंगल के दूसरे कोने में पहुंच जाती है तो क्या देखती है, वहाँ भी सामने पानी ही पानी है। बर्थडे के दिन कहाँ इस आइलैंड में फंस गई। फिर आलिया को सामने कोकोनट ट्री दिखाई देता है। आलिया बिना देरी के तुरंत बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ जाती है और बहुत सारे नारियल तोड़कर नीचे फेंक देती है। फिर आलिया एक पत्थर की हेल्प से कोकोनट तोड़ देती है और नारियल पानी पीने लगती है। अरे वाह ये तो बहुत टेस्टी है, चलो कुछ तो अच्छा हुआ। आलिया कोकोनट वाटर के मजे ले ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर एक भालू आ जाता है। आलिया कोकोनट उठाकर भालू की तरफ फेंकने लगती है। ये ले। लेकिन भालू धीरे धीरे आलिया की तरफ आने लगता है। यहाँ से भागते में ही भलाई है, वरना आज का बर्थडे आखिरी बर्थडे हो जाएगा। आलिया बिना देरी किए वहाँ से भागने लगती है। पूरे आइलैंड में आलिया को बस वही बिल्डिंग दिख रही थी जहाँ से वो अभी भाग कर आई थी। अपनी जान बचाने के लिए आलिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो वापस उसी बिल्डिंग में चले जाती है और भालू वहाँ से वापस जाने लगता है। लेकिन लॉजिकल आदमी क्या भालू को देख के बता सकते हैं वो असली भालू है या नकली भालू है? सोचिए। भालू के कॉस्ट्यूम में टैग लगा हुआ है, ये नकली भालू है, बस आलिया को डराने आया था। बिल्डिंग के अंदर जाते से कोई पीछे से आलिया को क्लोरोफॉर्म सूंघाकर बेहोश कर देता है। लॉजिकल आर्मी, क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिससे सूंघते ही कोई भी इंसान बेहोश हो जाता है। उधर डिटेक्टिव मेहुल हनी से पूछताछ करके बाकी तीन लोगों के घर भी जाता है जिनका अमन के साथ झगड़ा हुआ था। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, सर मैं तो उस दिन की बात को कब का भूल गया, और वैसे भी मैं पिछले एक हफ्ते से शहर के बाहर था, ये देखिए मेरी ट्रेन टिकट। दूसरा आदमी कहता है, सर मैं तो अब अमन से बात भी नहीं करता हूँ, मैं आज ही बैंगलोर से आया हूँ, ये देखिए मेरी बस टिकट। तीसरा आदमी कहता है, सर मैं बस एक मिनट पहले ही घर का दरवाजा खोला है, मैं पिछले 5 दिनों से टूर पे गया था, अब भला मैं अमन के यहाँ चोरी कैसे कर सकता हूँ। तीनों की बात सुनकर डिटेक्टिव मेहुल समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए। तीसरा वाला आदमी झूठ बोल रहा है। उसके घर में देखिए एक अगरबत्ती जल रही है जो बिल्कुल खत्म होने वाली है।
और ये आदमी बोल रहा था कि वो अभी अभी बिल्कुल एक मिनट पहले ही घर आया है और 5 दिनों से बाहर था। मेहुल उसे पकड़ लेता है और पूछताछ करता है, तो वो आदमी बताता है, सर अमन ने मुझे सबके सामने गाली दी थी, इसलिए मैंने उसकी दुकान में चोरी की और तोड़ा फोड़ी की। अगर सब लोग ऐसा ही करने लगे तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। मेहुल उसे पुलिस के हवाले कर देता है और वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। आज आलिया का बर्थडे है, चलो उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले लेता हूँ। उधर आलिया को होश आ जाता है। ये मैं कहाँ आ गई अब? आलिया विंडो से बाहर देखती है तो वो शहर में थी। अरे यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, मेरा बर्थडे गया, आज का मेरा बर्थडे। आलिया अपना मोबाइल निकालती है और इस बार डॉक्टर संजना को कॉल करती है। मैम वो मैं किडनैप हो गई हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे आलिया तुम तो बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो, पर तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकती। आलिया डॉक्टर संजना को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर संजना को लगता है कि आलिया मजाक कर रही है। इसके बाद आलिया बुलबुले साइंटिस्ट को कॉल करती है। उस समय बुलबुले साइंटिस्ट शॉपिंग करके वापस अपने घर जा रहा था। साइंटिस्ट ने अपने घर तक पहुंचने के लिए एक बुलबुलिया बना रखी है। तो क्या बता सकते हैं इनमें से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट के घर तक जाता है? सोचिए लॉजिकल आर्मी, और आपका आंसर कमेंट कीजिए। रास्ता सी साइंटिस्ट के घर जाता है कुछ इस तरह से। साइंटिस्ट सही रास्ता लेता है और अपने घर पहुंच जाता है। साइंटिस्ट आलिया का कॉल रिसीव करता है, हैप्पी बर्थडे आलिया। तब आलिया साइंटिस्ट को अपने किडनैप होने की बात बताती है। तो साइंटिस्ट कहता है, आलिया तुमने मुझे कई बार उल्लू बनाया है लेकिन आज नहीं। आलिया साइंटिस्ट को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन साइंटिस्ट को भी लगता है कि आलिया उसके साथ मजाक कर रही है। आलिया बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गुस्से में अपने मोबाइल को नीचे पटक देती है। आलिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, कोई उसकी बात सुन नहीं रहा था। एक बार यहाँ से बाहर निकल जाओ फिर सबकी खबर लूंगी, मेरे को समझ के रखा है। आलिया जिस कमरे में बंद थी वहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ था। आलिया पर्दा हटा के देखती है तो सामने बुलबुलिया थी और 3 रास्ते थे। अब जो होगा देखा जाएगा। आलिया पहला रास्ता लेती है और बुलबुलिया में चले जाती है। अंदर एक सुरंग जैसी बनी हुई थी और काफी अंधेरा था। आलिया जैसे तैसे करके रास्ता पार कर लेती है, लेकिन ये क्या, आलिया दूसरे दरवाजे से वापस उसी कमरे में आ जाती है। आलिया फिर वापस तीसरे दरवाजे से जाती है, लेकिन फिर पहले दरवाजे से वापस आ जाती है। आलिया का दिमाग गर्म हो जाता है, अरे ये क्या हो रहा है। इस बार आलिया दूसरे दरवाजे से जाती है लेकिन तीसरे दरवाजे से बाहर आ जाती है। आलिया बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगती है और दरवाजे के ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगती है, लेकिन फिर आलिया ठंडे दिमाग से मेहुल की तरह सोचती है और उसे समझ आ जाता है कि वो हर बार एक ही दरवाजे से जा रही थी इसलिए ऐसा हो रहा था। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं आलिया को कैसे समझा कि हर बार वो एक ही दरवाजे से जा रही थी? सोचिए। ध्यान से देखिए, सारे दरवाजे देखने में तो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन उनके लॉक की बनावट अलग है। दूसरी बार में पहला दरवाजा तीसरे दरवाजे की जगह शिफ्ट हो गया था और दूसरा दरवाजा पहले दरवाजे की जगह, और जब आलिया दूसरी बार तीसरे दरवाजे से गई तो वो पहले ही दरवाजे से गई थी और दूसरे दरवाजे से बाहर आ गई। और आखिरी बार भी यही हुआ, पहला दरवाजा दूसरे दरवाजे की जगह शिफ्ट हो गया था और जब आलिया ने दूसरा दरवाजा लिया तो एक्चुअली वो पहले दरवाजे से ही गई थी। आलिया बार बार पहले दरवाजे से ही अंदर जा रही थी और इसलिए वो वापस रूम में आ जा रही थी। आलिया फिर शांति से दूसरे दरवाजे को आइडेंटिफाई करती है और इस बार तीसरे रास्ते से जाती है तो भूलभुलैया क्रॉस कर लेती है। आप भी अपने दिमाग को मेहुल और आलिया की तरह तेज कर सकते हो। मैंने आपके लिए इमोजी IQ गेम बनाया है जिसमें मैंने आपके लिए 1000 से भी ऊपर चैलेंजेस बनाए हैं। उसमें आपको IQ स्कोर मिलेगा और बहुत सारी कैटेगरीज भी मिलेंगी। हर कैटेगरी में अलग अलग टाइप के गेम्स हैं, तो इन गेम्स को खेलिए, अपने IQ को इम्प्रूव कीजिए और अपना IQ बाकी लोगों के साथ कंपेयर करिए। देखते हैं किसका IQ सबसे तेज रहता है। भूलभुलैया क्रॉस करते से आलिया एक कमरे में पहुंच जाती है जहां से रोड पे आने जाने वाले लोग साफ दिखाई दे रहे थे। आलिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। तभी अचानक आलिया को मेहुल दिखाई देता है। मेहुल अपनी कार से जा रहा था। मेहुल को देखते ही आलिया एकदम खुश हो जाती है और उछलने लगती है। मेहुल सर मुझे बचाने आ गए, मेहुल सर मुझे बचाइए। लेकिन ये क्या, मेहुल वहाँ से आगे जाने लगता है। आलिया जोर जोर से मेहुल को आवाज लगाती है लेकिन मेहुल आलिया को इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। आलिया को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब मैं मेहुल सर के साथ काम नहीं करूंगी, अब मैं कुशल सर के असिस्टेंट बनूंगी। तभी ऊपर खिड़की से कोई एक पर्ची फेंकता है। पर्ची में लिखा था, मैं आलिया हूँ, मेरा आज बर्थडे है, जोरों से चिल्लाओ तो डोर खुल जाएगा। आलिया जोरों से चिल्लाने लगती है, मेरा नाम आलिया है, आज मेरा बर्थडे है। तभी अचानक पीछे का दरवाजा खुल जाता है। आलिया वहाँ से एक अंधेरे कमरे में पहुँच जाती है।
तभी अचानक हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वहां का नजारा देख के आलिया शॉक हो जाती है। मेहुल, डॉक्टर संजना, बुलबुले साइंटिस्ट आदि सारे लोग केक लेकर खड़े हुए थे। आलिया, तुम किडनैप नहीं हुई थी, बल्कि ये मैंने करवाया था। ये तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। फ्यूचर में इस तरह की कंडीशन कभी ना कभी जरूर आएगी, और ये तुम्हारा बर्थडे सरप्राइज भी था। ए राम, ऐसा बर्थडे सरप्राइज! सारे लोग आलिया का हाथ पकड़कर फिर केक कट करने लगते हैं। आलिया के चेहरे पे केक लगा देते हैं। आलिया ने आज नहाया तक नहीं था, तो उसका पूरा चेहरा बहुत गंदा हो रखा था। आलिया अपना चेहरा छुपा रही थी और सारे लोग उसके साथ फोटो ले रहे थे। मेहुल सर, आपने तो आज मुझे पूरा डरा ही डाला था। मजा आया ना आलिया?